इससे नया कानून जो कि भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया है, इसमें जो पुराना कानून था भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुआ है। उसी तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसको सीआरपीसी इंग्लिश में कहते हैं, उसकी जगह पे बीएनएसएस या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हुआ है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसकी जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हुआ है। जो ये जो नए कानून है तीनों, आज से 1 जुलाई से पूरी तरीके से इफेक्टिव हो गए हैं पूरे इंडिया में, और हमारे बिहार राज्य में भी पूरी तरीके से इफेक्टिव हो गए हैं। आज से जो भी घटना होगी उसका FIR जो है इन नए कानून के तहत, और जो प्रक्रियाएँ कोर्ट में चलेंगी, ट्रायल चलेगी, इन नए कानून के तहत ही चलेगी। जो ये नया कानून है इसमें विशेषता यह है कि ये दंड की जगह पे न्याय पर विशेष फोकस किया गया है इसमें। और जो बिहार पुलिस है, इस नए कानून में सभी को प्रिपेयर करने के लिए लगातार, जैसा आप लोगों को पता भी होगा, हम लोगों ने ब्रीफ भी किया था पहले, कि लगातार 5 चरणों में सभी पदाधिकारी, सभी रंग के पदाधिकारियों को बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी गई है ऑनलाइन माध्यम से। पूरे बिहार राज्य में 25,000 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग, 25,000 ज़्यादा ऑफिसर्स की ट्रेनिंग प्रदान की गई है। उसी तरीके से मधुबनी में भी लगभग 625 से ज़्यादा जो हमारे ऑफिसर्स थे, सभी रैंक के, चाहे PTC हो, चाहे SI हो, ASI हो, सभी रैंक के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग दी गई है। 3-3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। इसमें नए कानून में क्या क्या नए प्रावधान हैं, कैसे प्रोसीजर करना है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है। उसके अलावा जो साइबर क्राइम है, फॉरेंसिक को कैसे यूज करना है, फिंगरप्रिंट को सीन ऑफ क्राइम से कैसे उठाना है, फोटोग्राफी सीन ऑफ क्राइम की कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है। और ये ट्रेनिंग जो है हम लोग लगातार इसको और भी एक कैप्सूल की तरह से, मॉड्यूल की तरह बना करके हम लोग लगातार देते रहेंगे। सभी को हम लोगों ने मटेरियल भी उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि उनको, हमारे अनुसंधानक जो है उनको पढ़ करके इन सब चीज़ों को, नए कानून को समझने में आसानी हो सके। आज ये जो नया कानून लागू हुआ है इसमें सभी थानों में आज 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में सभी थानों में, सभी थानों के जो गणमान्य लोग हैं उनको बुलाया गया था, और उनको बुला करके इस नए कानून में जो नए प्रावधान हैं उन सब के बारे में बताया गया है। बहुत ब्रीफ, बहुत ही एक्सटेंसिव तौर पे और बहुत ही एक्सप्लेन करके सभी लोगों को बताया गया है। जो भी लोगों की कंफ्यूजन था उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है। इसमें सभी वरीय पदाधिकारी, SHO से लेकर सर्किल इंस्पेक्टर, SDPO सभी सम्मिलित हैं। जो ये नया कानून है उसमें उनकी विशेषताओं के बारे में बता देता हूँ थोड़ी सा, कि इसमें डिजिटल तौर पर अब हम FIR कर सकते हैं, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी, ये सारी चीज़ें अब डिजिटल तौर पे होगी। तलाशी और जब्ती भी जो है पुलिस के द्वारा जो की जाती है उसमें अब वीडियोग्राफी और या फोटोग्राफी अनिवार्य है, उसका संग्रहण करके रखना भी अनिवार्य है। इसके लिए बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारियों को लैपटॉप और मोबाइल प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा ऐप भी बनाए जा रहे हैं ताकि जो भी सर्च और सीजर के टाइम पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी उसको उसमें अपलोड किया जा सके, ताकि किसी भी तरह पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे। जो भी सर्च एंड सीजर हो रहा है वो पूरे रियल टाइम अपलोड हो जाएगा सारी चीज़ें। जो नया कानून है, नागरिक केंद्रित कानून है, इसमें कई प्रावधान हैं, जैसे कि नागरिक घटना स्थल या उससे कहीं भी FIR दर्ज कर सकता है। इस नए कानून में EFIR मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप कोई आवेदन भेजे उसके तो बिना पे FIR दर्ज होगा। उसके अलावा 0 FIR का कॉन्सेप्ट पहले भी था, इसको इस एक्ट में पूरी तरीके से सम्मिलित किया गया है, तो 0 FIR भी किया जा सकता है। घटना कहीं भी हो, किसी भी बगल के थाने में जाकर के FIR दर्ज किया जा सकता है, और उसके बाद वो उस थाने का जो संबंधित थाना है जहाँ पे घटना हुई है, वहाँ पे संबंधित थाना जहाँ पे FIR दर्ज किया गया है वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे, जिसको हम लोग 0 FIR कहते हैं। जब FIR दर्ज होगा तो पीड़ित को एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है वो। हमारे सभी थाना अध्यक्ष जहाँ भी FIR दर्ज होता है थाना को उसको एक निःशुल्क प्रति प्रदान करना होगा। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति क्या हुई है उसके बारे में भी सूचित करना होगा।
महिला जो के खिलाफ जो अपराध है उसके अंदर में 24 घंटे के अंदर में पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी और साथ ही 7 दिनों के अंदर जो चिकित्सक है उनको मेडिकल रिपोर्ट देना होगा। BNSS जो BNS है भारतीय नागरिक संहिता की धारा 396-97 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। BNS की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। केस वापसी जब होती है न्यायालय में, जब ट्रायल चलता है उसमें केस वापसी की जाती है तो उसमें न्यायालय को पहले पीड़ित की बात को सुनना पड़ेगा। पीड़ितों को अधिकार दिया गया है कि कोई भी केस क्लोज करने से पहले न्यायालय को पीड़ित को सुनना पड़ेगा, उसकी बातों पे ध्यान देकर के उसके बाद ही कोई ऑर्डर करना होगा। कोर्ट में भी आवेदन करने पर पीड़ित को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करनी होगी और जो कानूनी जांच है, पूछताछ है, मुकदमे की कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का भी प्रावधान है। जैसा मैंने बताया कि न्याय इसमें जो नई कानून है उसमें टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। सभी चरणों का डिजिटल रूपांतरण किया गया जिसमें ई समन, ई नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा और ई ट्रायल भी शामिल होगा। ई ट्रायल मतलब कि कोई भी जो गवाह है, साक्ष्य है, वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, VC के माध्यम से अपने साक्ष्य दे सकता है कोर्ट में और वो एक्सेप्टेबल होगा। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं उसके अलावा, जैसा मैंने बताया तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी एकदम अनिवार्य की गई है। पुलिस कहीं भी तलाशी और जब्ती करने के लिए जाती है तो इसको वीडियोग्राफी की जाएगी। अब जो कुछ नए अपराध भी परिभाषित किए गए हैं इस कानून में, इसमें कि स्नैचिंग एक गंभीर और नॉन बिलेबल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहले स्नैचिंग, अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।